हाई वोल्टेज टेस्ट ट्रांसफार्मर की ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन स्ट्रेंथ को जानने के लिए की जाती है। इस टेस्ट में वोल्टेज टेस्ट देकर ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन को जांचा जाता है। ट्रांसफार्मर की एलवी वाइंडिंग को अर्थ से जोड़कर 60 सेकंड्स के लिए एचवी वाइंडिंग से एक प्रिस्क्राइब्ड सिंगल फेज पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज को इंजेक्ट किया जाता है। अभी हम हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। एचवी टेस्ट करने से पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल्स को सप्लाई लाइन से डिस्कनेक्ट करें। शॉक प्रूफ हैंड ग्लोव्स को अपने हाथों में पहने। ट्रांसफार्मर को अर्थ कनेक्शन से जोड़ें। एलवी वाइंडिंग टर्मिनल को अर्थ कनेक्शन जोड़ें और उन्हें शॉर्ट करें। एचवी वाइंडिंग टर्मिनल को शॉर्ट करें। एचवी टेस्टिंग ट्रांसफार्मर को एचवी वाइंडिंग टर्मिनल से जोड़ें। कनेक्शन करने के बाद बजर स्विच दबाएं और टेस्टिंग एरिया के एंट्री गेट को बंद होने दें। टेस्टिंग पैनल के मेन स्विच को ऑन करें। कंट्रोल सर्किट सप्लाई को ऑन करें। टेस्टिंग पैनल से हाई वोल्टेज टेस्टिंग आउटपुट को ऑन करें। पैनल आउटपुट वोल्टेज को 18 के वी तक बढ़ाएं। टाइमर स्विच को 1 मिनट के लिए ऑन करें। रेटेड एचवी करंट पर लीकेज करंट की रीडिंग को लिख लें। समय समाप्त होने पर रीडिंग्स को नोट करें। पैनल आउटपुट वोल्टेज को घटाएं। टेस्टिंग पैनल से हाई वोल्टेज टेस्टिंग आउटपुट को ऑफ करें। कंट्रोल सर्किट सप्लाई को ऑफ करें। टेस्टिंग पैनल के मेन स्विच को ऑफ करें। टेस्ट करने के बाद बजर दबाएं और टेस्टिंग एरिया के एंट्री गेट को खुलने दें। फेस शील्ड पहने और डिस्चार्ज रॉड को अर्थिंग कनेक्शन से जोड़ें। शॉक प्रूफ हैंड ग्लोव्स को अपने हाथों में पहने। ट्रांसफार्मर की एचवी वाइंडिंग टर्मिनल्स को डिस्चार्ज करें। अर्थिंग कनेक्शन और टेस्टिंग लीड्स को ट्रांसफार्मर अर्थ से निकालें।